यस दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि हमारे सामने है डोनर राघविंद्र मिश्रा जी। और आपने वादा करा था कि आपने बच्चों की सारी बुक्स जो इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ते हैं, ये क्लास फोर्थ और सेवन्थ का पूरा सेट लेकर आए हुए हैं। तो राघविंद्र जी, आपको आज ये किताबें दान करके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है सर। मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मैं अपनी बच्चों की बुक्स कहीं डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा। कबाड़े में और इधर उधर बुक चली जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं होती है। मैंने सोचा रखा था मैं किसी ऐसी जगह इसको डोनेट करूँगा जो गरीब बच्चे हैं, जो किताबें उपलब्ध नहीं हो सकती, नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैं वहाँ ढूंढ रहा था मैं कैसे कहाँ पर किसको पहुँचाऊँ। तो मैंने ऑनलाइन आपका NGO के बारे में जानकारी हुई कि आप एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों को बुक्स पहुँचाना, उनको शिक्षा देना, ये आप काम कर रहे हो। तो मैं सोच लिया था कि मैं आप तक ही बोल दूँगा, जिससे कि अच्छी जगह जहाँ इनको पहुँचना चाहिए वहाँ ये पहुँचे। और आज मैं ये बुक्स लेके आया हूँ। बच्चों ने मेरे ये कहा था पापा इनको बेचना नहीं, कहीं ऐसे जगह देना जहाँ की और बच्चे पढ़ सकें, अच्छी शिक्षा उनको मिल सके। तो मैं आपसे विनम्र कर दूँ, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि लोग आप साथ जुड़ें, और जो बच्चों की बुक्स वगैरह इधर उधर फेंक देते हैं या कबाड़े में देते हैं 400-500 रुपये की, वो न करके दान करें, जिससे कि गरीब बच्चों को जिनको जो अवेलेबल नहीं करा सकते, पैसा इच्छा नहीं हो सकती, उनको अपना पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। और आप अच्छा काम कर ही रहे हो। देखिए दोस्तों, राघवेंद्र जी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया हुआ है समाज के उन लोगों के लिए जिनके घरों में किताबें रखी हैं और वो किसी समय काम नहीं आ रही हैं। तो आपका कहना है कि उन किताबों को ना आप कबाड़ बेचिए, ना आप घर में रखिए, उनको तुरंत आप NGO बुक बैंक में डोनेट कर सकते हैं, जो डायरेक्ट बच्चों को तुरंत पहुँचा दी जाती हैं। हम सब मिलकर देश को बदलेंगे। ऑल द बेस्ट, डोंट वरी, बी हैप्पी।